व्यूअर्स कृपया ध्यान दें, बेल आइकॉन दबाएं और एड्यूरेका हिंदी यूट्यूब चैनल की कोई वीडियो मिस ना करें। हेलो दोस्तों, आपका इस वेबिनार में स्वागत है। इस वेबिनार में बात करने वाले हैं कंटिन्यूस इंटीग्रेशन कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन क्रिएशन यूजिंग जेंकिंस। आगे बढ़ने से पहले डिस्कस करते हैं हमारे आज के वेबिनार का एजेंडा क्या है। हम बात करने वाले हैं डेवॉप्स क्या होता है, CI/CD किसे कहते हैं, पाइपलाइंस क्या होती हैं, उन्हें क्यों क्रिएट करते हैं, कंटिन्यूस डिलीवरी डिप्लॉयमेंट किसे कहते हैं, जेंकिंस का क्या रोल है, डॉकर का क्या रोल है, और फिर हम एक सिनेरियो देखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट अ पाइपलाइन यूजिंग ऑल दिस सिनेरियोस। हम एक हैंड्स ऑन जेंकिंस इंस्टॉल करेंगे और जेंकिंस को यूज करके हम अपनी पाइपलाइन क्रिएट करेंगे जिसमें कि हम थोड़ा डिप्लॉयमेंट करेंगे, टेस्टिंग करेंगे इन ए ऑटोमेटेड मैनर। तो आगे बढ़ते हैं, पहले बात करते हैं डेवॉप्स क्या है। डेवॉप्स एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी है जिसका एम होता है कि जितनी भी टीम्स ऑर्गेनाइजेशन में वो एक साथ काम करें सो दैट हम प्रोडक्ट को टाइम पर डिलीवर कर पाएं और बिजनेस को लगे IT से वैल्यू आ रही है। किसी भी कंपनी सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि जितनी भी टीम्स एक ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं उनमें आपस में बहुत फ्रिक्शन होता है। कई बार डेव को नहीं पता होता है कि ऑप्स क्या कर रहा है, ऑप्स को नहीं पता होता है डेव क्या कर रहा है। इस फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, कई बार हम अपना प्रोडक्ट या अपने जो भी हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो टाइम पर डिलीवर नहीं कर पाते और बिजनेस को नहीं लगता कि IT से कुछ वैल्यू आ रही है। अब एग्जाम्पल लीजिए, आपने कोई एप्लीकेशन बनाई जो आपके लैपटॉप पर सही चल रही है, आपने ऑप्स टीम से कहा कि उस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करें इंफ्रास्ट्रक्चर में। जब ऑप्स टीम उस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने की कोशिश कर रही है तो ऑप्स टीम देख रही है कि डिप्लॉयमेंट के टाइम वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कंपैटिबल नहीं है। फिर जब डेवलपर ने डेवलप की थी एप्लीकेशन तो उसके लैपटॉप पर चल रही थी, उसके लैपटॉप पर जावा की कोई डिफरेंट वर्जन रन कर रहा हो, डिफरेंट OS हो, जो आपके इन्फॉर्मेंट नहीं हो, तो ऐसे में क्या होगा, डेव और ऑप्स में आपस में फ्रिक्शन होगा। डेव ऑप्स से बोलेगा कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करो या चेंज करो, ऑप्स डेव से बोलेगा कि अपना चेंज को कॉम्पेटेबल बनाओ हमारे करंट इंफ्रा रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इन सब फ्रिक्शन से इवेंचुअली क्या होगा, ना तो हम प्रोडक्ट टाइम पर डिलीवर कर पाएंगे, ना बिजनेस को लगेगा कि ITM की रिक्वायरमेंट्स या नीड्स को मेंटेन कर पा रहा है। IT का मेन एम होता है बिजनेस को हेल्प करना। जब बिजनेस को लगेगा कि IT कुछ हेल्प ही नहीं कर रहा तो कंपनीज विल स्टार्ट थिंकिंग कि हमें इतना IT पर इन्वेस्ट करने की जरूरत क्या है। दूसरा, डेवॉप्स का यूज करने का रीजन क्या है। पहले जमाने में हम यूज करते थे एक वाटरफॉल मॉडल, आप में से बहुत लोगों ने नाम सुना होगा या काम किया होगा, वाटरफॉल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड। ये इंडस्ट्री को उसने करीब 5 दशकों तक राज किया था। इस मॉडल में क्या होता था, कस्टमर से रिक्वायरमेंट लेने से डिलीवर करने तक 6 महीने से 1 साल लग जाता था। अब इमेजिन कीजिए, आप किसी ई कॉमर्स कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी रिटेल कंपनी में काम कर रहे हैं, आज की तारीख में रिक्वायरमेंट हर घंटे चेंज होती है, ऑलमोस्ट एवरी आवर। ऐसे में क्या आप उस डायनेमिक एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट मीट कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो इन्हीं सब कारणों से इंडस्ट्री को लगा कि वी नीड टू लुक एट अप्रोच जिसमें ऑटोमेशन ज्यादा है, विच लुक्स एट कंटिन्यूस डेवलपमेंट, कंटिन्यूस टेस्टिंग, इंटीग्रेशन, डेवलपमेंट, मॉनिटरिंग। उसी अप्रोच को कहते हैं एक सॉफ्ट डेवॉप्स। डेवॉप्स एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोलॉजी है जो आज की तारीख में हम यूज करते हैं अपने एप्लीकेशन के डेवलपमेंट के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, डिप्लॉयमेंट के लिए, टेस्टिंग के लिए। अब बात करते हैं डेवॉप्स के कौन कौन से स्टेजेस हैं। तो डेवॉप्स लाइफ साइकिल में काफी सारी स्टेजेस होती हैं। ब्रॉडली इनको 4 स्टेज में क्लासीफाई किया गया है, वर्जन कंट्रोल, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिलीवरी एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। बात करते हैं पहले स्टेज की वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल को हम लोग सोर्स कोड मैनेजमेंट भी बोलते हैं। सोर्स कोड मैनेजमेंट, इसमें क्या होता है, जो हमारा कोड है वो एक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी में स्टोर होता है। अब देखिए, जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो मल्टीपल डेवलपर्स होते हैं। कोलैबोरेशन अमंग द डेवलपर्स इज ए बिग चैलेंजिंग एंड डॉन्टिंग टास्क कि कैसे सारे डेवलपर्स एक साथ काम करें। क्योंकि देखिए, जब भी आप प्रोजेक्ट में काम करते हैं, हर डेवलपर अलग अलग पीस ऑफ कोड लिखता है एप्लीकेशन का, कैसे उन सब कोड्स को सिंक किया जाए। उसके बाद एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत सारे लोग काम करते हैं तो कुछ क्वेश्चन आते हैं, किसने चेंज किया, क्यों चेंज किया, कब चेंज किया, ये सब चीज़ें हम कैसे ट्रैक करें। उसके लिए हमें एक वर्जनिंग सिस्टम चाहिए होता है जहाँ इन सब चीज़ों को स्टोर कर सके, बेसिकली एक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी, तो उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड मैनेजमेंट। दूसरा स्टेज होती है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, उसको हम कंटिन्यूस बिल्ड भी बोलते हैं। लेट सी, ये डेवलपर ने कोड एक वर्जनिंग सिस्टम में रख दिया से गेट, उसके बाद कैसे हम टास्क ऑटोमेट, कैसे कंपाइल, कोड रिव्यू, पैकेजिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, उस सब को हम बोलते हैं कंटिन्यूस बिल्ड स्टेज, जहाँ हम अपना प्रोसेस से बिल्ड हो गया, कंपाइलिंग हो गया, पैकेजिंग हो गया, उन सबको हम ऑटोमेट कर सकते हैं। तीसरा है कंटिन्यूस टेस्टिंग। अब देखिए, कोई सा भी एप्लीकेशन जब तक टेस्ट ना हो तब तक उसे कभी डिप्लॉय नहीं करना चाहिए। टेस्टिंग का मेन एम होता है कि टू मेक श्योर जो हमने एप्लीकेशन डेवलप की है चाहे हमारी कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को मीट कर पा रही। दूसरा, अगर हमारे एप्लीकेशन में कोई बग्स हैं या कोई डिफेक्ट है वो हमें इस टेस्टिंग स्टेज में ही पता चलते हैं। तो ये जो लोअर लाइफ साइकिल टेस्टिंग होती है, डिप्लॉयमेंट होता है, या फिर जो टेस्टिंग एप्लीकेशन की होती है, चाहे वो रिग्रेशन टेस्टिंग हो, चाहे फंक्शनल टेस्टिंग हो, चाहे यूनिट टेस्टिंग हो, वो सब हम इस स्टेज में करने की कोशिश करते हैं कंटिन्यूस डिलीवरी। लास्ट, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। कभी भी कोई सा भी एप्लीकेशन कोड हमें सीधे
प्रॉड में नहीं डिप्लॉय करना चाहिए। एप्लीकेशन कोड पहले डिप्लॉय होना चाहिए लोअर लाइफ साइकिल सर्वर में, उसके बाद ही प्रॉड में जाना चाहिए, वो कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट स्टेज में आता है। एक और चीज ध्यान रखने की है, डेवऑप्स स्टेज में हम एप्लीकेशन को कंटेनराइज करते हैं, हम उन्हें कन्वर्ट करते हैं कंटेनर्स में, हम उन्हें एज अ मोनोलिथिक आर्किटेक्चर नहीं बल्कि माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर की तरह एज ए कंटेनर डिप्लॉय करते हैं एप्लीकेशन में। कंटेनर्स क्यों? क्योंकि वो लाइट वेट होते हैं, इजी टू शिप होते हैं, आप एक सर्वर में बहुत सारे कंटेनर्स स्पिन अप कर सकते हैं और आपकी एप्लीकेशन कंटेनर्स में रिसाइड करती है। तो इसलिए मॉडर्न डे आर्किटेक्चर डेवऑप्स में हम अपनी एप्लीकेशन को एज कंटेनर्स डिप्लॉय करते हैं। लास्ट स्टेज बट नॉट द लीस्ट इज कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज डेवऑप्स पाइपलाइन के जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, इग्नोर कर जाते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के हर एक कंपोनेंट को हर समय मॉनिटर करें। हमें चाहिए कि जैसे हमारी पाइपलाइन है, पाइपलाइन के एग्जीक्यूशन में कोई जॉब फेल हो रही है या कुछ भी रिजल्ट आ रहा है, कुछ भी लॉग्स आ रहे हैं, वो सब हम एक जगह स्टोर करें, जिससे अगर कोई रिजल्ट हमारे जैसे हमने सोचा वैसा ना आए तो हम नोटिफाइड या अलर्टेड हो जाए। सपोज कीजिए आपकी एप्लीकेशन है वो लॉग स्टोर कर रही है SQL डेटाबेस में, अब एक टाइम आएगा जब लॉग्स की वजह से आपका सारा स्पेस भर जाएगा, अगर आपको पता ना चले और आपका लॉग्स 100% फुल हो जाए तो आपकी एप्लीकेशन की फंक्शनिंग इंपैक्ट होगी, हो सकता है आपकी एप्लीकेशन डाउन भी हो जाए। अगर आप कोई अलर्ट सेटअप करें जो तो आपका डेटाबेस 85% या 95% फेल हो, वो आपको नोटिफाई कर दे, तो अपना स्पेस क्लियर कर सकते हैं, उसमें और डिस्क ऐड कर सकते हैं, इससे आपका वो आउटेज ना हो। इसलिए मॉनिटरिंग एक बहुत ही की और इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट है जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हमें चाहिए कि हम ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ डेवऑप्स पाइपलाइन की हम उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करें। अब बात करते हैं कंटिन्यूस इंटीग्रेशन की। आप देखिए तो जेंकिंस जो है उसको हम हार्ट कहते हैं एंटायर डेवऑप्स पाइपलाइन का। आज की तारीख में 90% ऑफ द कंपनीज अक्रॉस द ग्लोब जेंकिंस को यूज करती हैं एज देयर CI टूल। दुनिया में कुछ कंपनी आपको मिलेंगी जो बैम्बू भी यूज करती हो, पर जनरली ज्यादातर कंपनीज जेंकिंस यूज करती हैं। जेंकिंस एक ओपन सोर्स क्वी बेस्ड कंटिन्यूस इंटीग्रेशन टूल है, आप जो कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने यूनिक्स सर्वर सिस्टम पे, विंडोज पे, मैक्स पे, कहीं भी हम जेंकिंस इंस्टॉल कर सकते हैं। जेंकिंस एक प्लगइन बेस्ड टूल है, इसमें प्लगइन्स होते हैं जो डिफरेंट टूल्स से इंटरैक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, जेंकिंस को कोई डेटा पुल करना है गिट से, उसमें प्लगइन है जो गिट से डेटा पुल करता है, फिर जेंकिंस को टास्क ऑटोमेट करने से कंपाइलिंग, कोड रिव्यू, पैकेजिंग, उसके लिए वो इंटरैक्ट करता है बिल्ड ऑटोमेशन टूल लाइक मेवन, जिससे कि वो सब चीजें ऑटो वो कर सके। उसका जेंकिंस को डिप्लॉय करना है तो जेंकिंस ऑटोमेट करेगा कंटेनर्स के साथ, तो हम ये सब चीजें जेंकिंस में कर सकते हैं। अब बात करते हैं CI/CD किसे कहते हैं। आप देखिए CI/CD स्टैंड करता है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। आप लोग को जानकर ताज्जुब होगा, Amazon हर 11.6 सेकंड मतलब 15 सेकंड से भी कम समय में हर बार एक नया कोड डिप्लॉय करती है। वो कैसे कर पाती है? बिकॉज ऑफ द CI/CD प्रोसेस, की सब कुछ उसने वर्जनिंग और पाइपलाइन के थ्रू कर दिया है। अब इस प्रोसेस में क्या होता है? देखिए सबसे पहला हमेशा प्रोसेस स्टार्ट होता है वर्जनिंग से या वर्जन कंट्रोल से। डेवलपर्स अपना कोड लिखते हैं एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम में, जैसे गिट, वो गिट हो सकता है, बिट बकेट हो सकता है, पर 90% चांस है कि सिस्टम वो गिट ही होगा। उसके बाद वर्जन कंट्रोल सिस्टम से जब होता है तो जेंकिंस वहाँ से कोड को पुल करता है, उसका जेंकिंस कई सारी जॉब से टास्क एग्जीक्यूट करता है, उसको बिल्ड करना, यूनिट टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, ऑटो टेस्टिंग, कंपाइलिंग, पैकेजिंग, वो सब जेंकिंस के थ्रू ही होता है। वो सारे प्रोसेस जेंकिंस ही ऑटोमेट करता है, इससे इसमें कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है। ऑटोमेटिकली जैसे डेवलपर कोड लिखेगा उसका ऑटोमेटिकली कोड बिल्ड हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा, डिप्लॉय हो जाएगा, यूनिट टेस्टिंग सब कुछ जाएगा। वंस ये सब हो जाएगा तो उसके बाद हम उसको टेस्ट करते हैं लोअर लाइफ साइकिल। लोअर लाइफ साइकिल के बाद फाइनली सक्सेसफुल हो तो हम उसको प्रॉड इंफ्रास्ट्रक्चर में डिप्लॉय करते हैं। आपने एक चीज और नोटिस की होगी इस डायग्राम में, हर स्टेज ऑफ द प्रोसेस के अधिक फीडबैक है। फीडबैक क्या है? जैसे सपोज कीजिए आपने बिल्ड किया, अगर बिल्ड आपका फेल होता है तो डेवलपर को नोटिफाई कर देना चाहिए कि बिल्ड आपका फेल होता है, डेवलपर वहीं पे करेक्टिव एक्शन ले सके। अगर बिल्ड सक्सेसफुल भी होता है तो भी हमें नोटिफिकेशन लगानी चाहिए, चाहे वो ईमेल नोटिफिकेशन हो सकती है, चाहे वो नोटिफिकेशन थ्रू सम ITSM टूल हो सकती है। हमें कोई प्रोसेस सेटअप करना चाहिए कि हमारे डेवलपर्स हैं वो नोटिफाइड हो जाए कॉन्स्टेंटली क्या पाइपलाइन में हो रहा है, क्योंकि ये कोई भी सिस्टम 100% एरर प्रूफ नहीं है। जब कोड दिखते हैं क्रैशेस में एरर होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। बेस्ट प्रोसेस क्या है कि आप जहाँ भी फेल हो रहा है वहीं पर नोटिफाई करें, डेवलपर्स कैन फिक्स द कोड इजीली। सपोज कीजिए अगर हमारा जो हमने कोड लिखा है वो डिप्लॉयमेंट में फेल हो रहा है और हम डेवलपर को नोटिफाई कर रहे हैं आफ्टर डिप्लॉइंग इट टू प्रॉड एनवायरनमेंट, तो बहुत डिफिकल्ट होगा डेवलपर के लिए टेस्ट करना कि एरर कहाँ आ रहा है। अगर हम डिप्लॉय स्टेज में उनको नोटिफाई कर देंगे कि आपके कोड में एरर है तो उनके लिए फिक्स करना बहुत ईजी होगा, वो टाइम सेविंग भी होगा और से एप्लीकेशन इम्पैक्ट भी नहीं होगी। तो इसी प्रोसेस को टिपिकली हम बोलते हैं CI/CD प्रोसेस। टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, ऑटो टेस्टिंग, यहाँ पे ऑटो टेस्टिंग के अलावा बहुत सारी और टेस्टिंग भी की जाती है, फंक्शनल टेस्टिंग हो गई, रिग्रेशन टेस्टिंग हो गई, यूनिट टेस्टिंग हो गई, डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो सबकी एप्लीकेशन है डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग आप और ऐड कर सकते हैं। फाइनली प्रोडक्शन डिप्लॉय होता है और उसके बाद बेसिकली
वी जस्ट सी की जो हमारी एप्लीकेशन डिप्लॉय की है वो एग्जैक्टली कस्टमर रिक्वायरमेंट मीट कर रही है या नहीं कर रही है, जो कि हमारी लास्ट स्टेज होती है सी आई सी डी प्रोसेस की। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कंटिन्यूस इंटीग्रेशन कंटिन्यूस प्रोसेस का। एक डेवलपर है, आप देखिए उसको एक रिक्वायरमेंट मिली एक एप्लीकेशन डिप्लॉय करने की, आप यहाँ देख सकते हैं एप्लीकेशन का सिनेरियो क्या है। आपको एक वेबसाइट क्रिएट करनी है, साथ में वो एप्लीकेशन ऐसी होनी चाहिए कि जो मोबाइल पे भी एक्सेस हो जाए, दैट मीन मोबाइल आईपैड जैसे डिवाइस में। ये एप्लीकेशन किसी रिटेल कंपनी की लग रही है जिसमें बेसिकली यूजर एक्सेस करता है कुछ साइट को, कुछ आइटम कार्ट में ऐड करता है, कार्ट में ऐड करने के बाद चेकआउट पेज पे आता है, फाइनली वो अपनी आईडी से लॉगिन करता है अगर ऑलरेडी सेव्ड है, अगर स्टोर्ड नहीं है तो अपनी आईडी क्रिएट करता है, फाइनली चेकआउट करता है बेसिकली मेक पेमेंट एंड ऑल। टिपिकल एक एग्जाम्पल अगर आप सोचिए, अगर आपको करना हो ट्रेडिशनल अप्रोच से मोनोलिथिक आर्किटेक्चर से, अब क्या करेंगे आप 4-5 वीएम स्पिन अप करेंगे, हर वीएम में आप एक फंक्शनैलिटी डालेंगे जैसे कार्ट हो गई, चेकआउट हो गई, प्राइसिंग हो गई, एक्टिव डायरेक्ट ऑथेंटिकेशन हो गई, और उसके बाद आप सारी वीएम फंक्शनैलिटी कंबाइन कर देंगे और एक वेब ऐप बनाएंगे। अब इसमें खराबी क्या है, अगर आपके जो आपने वीएम्स बनाए एप्लीकेशन उसमें एक भी वीएम आपका डाउन हो जाए या वो स्लो हो जाए किसी कारणवश, तो आपकी एप्लीकेशन फंक्शनली बहुत ही ज़्यादा इंपैक्टेड हो जाएगी। दूसरा आप कह सकती है कि हम सारे के सारे अपने जो टायर्स वो एप्लीकेशन एक ही सर्वर पर डाल देंगे, तो उसमें तो और दिक्कत है। जनरली क्या होता है जब हम कोई एक सर्वर क्रिएट करते हैं, सर्वर पर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत रिसोर्सेज लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कि सर्वर विंडोज 10 डिप्लॉय किया, 2.1 GB रैम जाती है विंडोज 10 को बूट करने, अगर आप एक सर्वर पर इतने सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देंगे अपने कोड की, तो क्या होगा ये सब एप्लीकेशन बहुत रिसोर्स कंज्यूम करेंगी, उससे आपकी ऐप ओवरऑल भी बहुत स्लो हो जाएगी। तो दोनों केसेस में आपके लिए प्रॉब्लम की बात है कि आप कैसे सॉल्व करें। जब हम CI अप्रोच यूज करेंगे तो हम इसको कंटेनराइज कर देंगे। कंटेनराइज इन द सेंस हम इंस्टेड ऑफ इनको मोनोलिथिक आर्किटेक्चर बना के बड़ी बड़ी इमेजेस, हम क्या करेंगे उसको कंटेनराइज कर देंगे अपने कोड को। अच्छी बात क्या है, प्रीवियस एग्जाम्पल लीजिए, सपोज कीजिए हमने मशीन पर सोचा कि कंटेनर्स डिप्लॉय करेंगे, अब उस मशीन पे हो सकता है जावा रन कर रहा हो 3.0, क्योंकि मेरे एप्लीकेशन कोड को यूज करना है जावा 2.0। मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम है सपोज कीजिए रेल 7 और मेरी एप्लीकेशन का ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए उबंटू। मशीन पर डिप्लॉयड है अपाचे, एप्लीकेशन को यूज करना है एंजिनिक्स। तो हम जितनी सब डिपेंडेंसीज हैं वो सब हम अपनी कंटेनर के अंदर ही डिफाइन कर देंगे, जिससे मेरी मशीन में क्या इंस्टॉल्ड है क्या चल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी अच्छी बात क्या है, कंटेनर्स का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, दे शेयर द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द होस्ट ऑन विच दे आर रनिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक लाइनक्स कंटेनर क्रिएट करते हैं लाइनक्स मशीन पे, उसका खुद का उसका OS नहीं होगा, वो कर्नल शेयर करेगी अपने होस्ट OS का जहाँ उसको आप डिप्लॉय कर रहे हैं, इसलिए वो लाइट वेट होता है। तो इस कारण ही हम एक सर्वर पे मल्टीपल कंटेंट डिप्लॉय कर सकते हैं, जिससे कि हमारे सर्वर की परफॉर्मेंस इंपैक्ट भी नहीं होगी। सेम टाइम हम उसका यूज करेंगे टूल्स लाइक डॉकर स्वाम या कुबरनेटेस, जिससे हम उसको हाई अवेलेबिलिटी और लोड बैलेंसिंग कर सके अपनी इमेजेस की। तो इस तरह से हम उसका डेवऑप्स मॉडल यूज करते हैं। सेम टाइम क्या होगा, सपोज ये डेवलपर कोई कोड चेंज कर रहा है, तो आपने जैसे स्टेजेस देखे फॉर एग्जाम्पल ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स हमारे वेबसाइट के, इसमें हम ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट और डेवलपमेंट और टेस्टिंग डालेंगे। जैसे सपोज कीजिए आपको बल प्राइसिंग चेंज करनी है, प्राइसिंग चेंज करने के बाद आपको वेट नहीं करना पड़ेगा जॉब को फिर से मैनुअल रन करूँ, ट्रिगर करूँ, फिर से जॉब को बिल्ड करूँ, फिर कंपाइल करूँ, फिर डिप्लॉय करूँ। जैसे आप प्राइसिंग चेंज कर गेट में डिप्लॉय करते हैं, ऑटोमेटिकली जेंकिंस जॉब वो चेंज पुल करेगी, ऑटोमेटिकली उस कोड को बिल्ड करेगी, फिर टेस्ट करेगी और फाइनली डिप्लॉय करेगी, इससे जिसमें कि कोई मैनुअल इंटरवेंशन ना हो, तभी हम अपने कोई कोड चेंजेस या कुछ भी बहुत क्विक टाइम में कर सकते हैं। यही देखिए आपको हमने समझाया है इस डॉक्यूमेंटेशन में। देखिए हम इसको कंटिन्यूस क्यों बोलते हैं आप सोचिए, क्योंकि इसमें चेंजेस कॉन्स्टेंट है। ट्रेडिशनली जब हम बात करते हैं किसी चीज़ में, तो कोड लिखने के बाद पहले हम उसको मैनुअली मर्ज करते हैं, फिर मैनुअली बिल्ड करते हैं, मैनुअली कंपाइल करते हैं, मैनुअली टेस्ट करते हैं, जबकि CI/CD प्रोसेस में सब कुछ एक कंटिन्यूस इन ऑटोमेटेड मैनर होता है, तभी हम इसको कंटिन्यूस इंटीग्रेशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी मैनुअल स्टेप नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है यूजिंग पाइपलाइंस, जो कि इसका बेस है। क्रिएट पाइपलाइंस एंड यूज देम फॉर डूइंग आवर एनी डिप्लॉयमेंट। अब देखिए ये हमारा कंटिन्यूस इंटीग्रेशन प्रोसेस है। अब इसके बाद कंटिन्यूस डिलीवरी क्या होता है, पहले हम इसको डिप्लॉय करते हैं लोअर लाइफ साइकिल सर्वर में, तो आपका डेव सर्वर हो सकता है, QA सर्वर, और अगर वो सक्सेसफुल है तब भी हम उसको डिप्लॉय करते हैं प्रॉड सर्वर में। देखिए कई ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, आप सीधे कभी भी QA से प्रॉड डिप्लॉय नहीं करते, उसमें हो सकता है कोई मैनुअल प्रोसेस हो, जैसे कि हो सकता है चेंज कंट्रोल प्रोसेस या कोई IRB ARB बोर्ड या मैनेजर अप्रूवल। तो हो सकता है कि जब QA से प्रॉड में डिप्लॉय करें तो आपको अप्रूवल चाहिए हो वो करने के लिए, तो इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट प्रोसेस। इसको अच्छे समझने के लिए हम एक कंपनी का केस लेते हैं, कैपिटल वन, जो कि एक फाइनेंसिंग एंड बैंकिंग फर्म है US में, वर्ल्ड वाइड इसके ब्रांचेस हैं। सो कैपिटल वन वन ऑफ द बिगेस्ट क्रेडिट कार्ड लेंडर्स, एक फाइनेंस और बैंकिंग कंपनी। कैपिटल वन एक टिपिकल एग्जाम्पल है जिसको बहुत फायदा हुआ यूजिंग दिस CI/CD और DevOps मॉडल। वो जेंकिंस प्लेटफॉर्म यूज कर रहे थे, क्लाउड बेस्ड बेसिकली एक एड ऑन प्लग इन है, और यूजिंग दैट प्लग इन देर मैनेजिंग देयर कंटिन्यूस इंटीग्रेशन डिप्लॉयमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन। उससे क्या फायदा हुआ,
उनके आप देखिए 90% उनकी पाइपलाइन ऑटोमेट होगा, जिससे उनकी डिप्लॉयमेंट फ्रीक्वेंसी 1300% बढ़ी। सोचिए आप कितना इंक्रीज है। डेवलपर्स ज्यादा फोकस कर पाए एप्लीकेशन पर, ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर, क्योंकि आप डेवऑप्स प्रोसेस में कंटेनराइज करते हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता आपके इंफ्रा में क्या इंफ्रा आपका स्पिनअप है, आप अपनी डिपेंडेंसी सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज बाइनरी सब अपने कंटेनर के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, आप अपनी एप्लीकेशन को ज्यादा सिक्योर कर सकते हैं। तो जेंकिंस, तो वैसे आपको मैंने स्टार्टिंग बताया था, जेंकिंस को हार्ट ऑफ द एंटायर डेवऑप्स पाइपलाइन बोलते हैं, अल्टीमेट सीआई टूल है। इसका कॉम्पिटिटर भी है, बैम्बू है, गिटलैब सीआई है, पर बाय डिफॉल्ट 90% कंपनीज ग्लोब में जेंकिंस ही यूज करती हैं एज देयर मेन सीआई टूल। जेंकिंस की बहुत सारी खासियतें हैं जिसके वजह से जेंकिंस इतना पॉपुलर है। पहली बात, ओपन सोर्स और गुई बेस्ड है, तो आपको कोई प्रोग्रामिंग नॉलेज या कोई आपको प्रोग्रामिंग गीक होने की जरूरत नहीं जेंकिंस से प्ले करने के लिए। आप जेंकिंस को कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं एज ए कंटेनर, अपने सर्वर पे एज ए नॉर्मल एप्लीकेशन, किसी भी ओएस पे। जेंकिंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि सर्वर पर 2 GB रैम हो या 4 कोर सीपीयू, कुछ भी। इट्स अ वेरी वेरी लाइट वेट एप्लीकेशन। ये जावा में लिखा गया है और सिर्फ प्लगइन्स हैं जो वो भी जावा बेस्ड है। इसके प्लगइन्स सारे फ्री हैं, तो बेसिकली इसकी कोई कॉस्ट नहीं है जेंकिंस को यूज करने की एज अ सीआई टूल। जैसे मैंने आपको बताया था जेंकिंस में प्लगइन्स होते हैं, इन्हीं प्लगइन्स की सहायता से वो डिफरेंट डिफरेंट टूल्स से इंटरेक्ट करता है। डेवऑप्स स्टैक में जितने भी टूल्स हों सबसे जेंकिंस इंटरेक्ट कर सकता है, सबसे डेटा पुल कर सकता है यूजिंग इट्स प्लगइन्स ओनली। प्लगइन्स का एक बहुत यूनिक फीचर है जो उसको बहुत स्टैंड आउट करता है अमंग इट्स कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट। प्लगइन्स बहुत ईजी होते हैं इंस्टॉल करने के लिए। इन प्लगइन्स की सहायता से ही हम डेटा डिफरेंट डिफरेंट टूल्स से टेक्नोलॉजी से पुल करते हैं और टास्क परफॉर्म करते हैं। हमें कोई जॉब बिल्ड करनी हो उसके लिए हम जेंकिंस को मेवन से इंटरेक्ट करते हैं। डिप्लॉय करनी हो जेंकिंस को हम डॉकर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। हमें जॉब पुश करनी हो डॉकर हब में तो भी हम जेंकिंस को डॉकर क्रिएट करते हैं। तो ये सब चीजें हम प्लगइन्स के थ्रू जेंकिंस में परफॉर्म करते हैं। अब हम इतनी सारी बात कर रहे थे, कुछ डॉकर के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। डॉकर क्या है? तो डॉकर एक कंटेनर सोल्यूशन है। दुनिया में और भी कंटेनर सोल्यूशन है पर डॉकर बाई फार मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट वाइडली यूज है। डॉकर को क्रिएट करके हम कंटेनर्स बनाते हैं, पर कभी भी हम सीधे कंटेनर नहीं बना सकते। पहले इमेज बनाते हैं और जब हम इमेज को रन करते हैं तभी कंटेनर बनता है। हम अपनी इमेज कैसे बिल्ड कर सकते हैं? दो तरीके होते हैं उसके लिए। एक डॉकर फाइल, डॉकर फाइल आप बोल सकते हैं बेसिक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डॉकर आर्किटेक्चर। आप डॉकर फाइल में अपना कोड डिफाइन करते हैं और आपकी बाइनरी डिपेंडेंसीज जो भी, जैसे कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होना चाहिए, कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सी बाइनरी, कौन सी लाइब्रेरी, कौन सा कोड रिव्यू, वो सब आप डॉकर फाइल में डिफाइन करते हैं। डॉकर फाइल से ही आप डॉकर इमेज कन्वर्ट करते हैं और इमेज को जब आप रन करते हैं तो कंटेनर क्रिएट होता है। कंटेनर कुछ नहीं है, एक रनिंग इंस्टेंस ऑफ योर डॉकर इमेज है। और डॉकर इमेज क्या होती है? एक मल्टीपल लेयर ऑफ मल्टीपल रीड ओनली फाइल सिस्टम। डॉकर हब क्या है? एक रिपोजिटरी है जहां आप अपनी इमेजेस स्टोर कर सकते हैं। डॉकर हब इज मेंटेन बाय डॉकर कंपनी। इसमें बोथ फ्री और पेड वर्जन आता है। और रिपोजिटरीज दो तरह की होती है, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक रिपोजिटरी में कोई भी आपकी इमेज डाउनलोड कर सकता है, पर जिसके पास राइट एक्सेस और क्रेडेंशियल्स हैं वो इमेज अपलोड कर सकता है। प्राइवेट रिपोजिटरी में जिसके पास राइट क्रेडेंशियल्स हैं वही आपकी इमेज अपलोड और डाउनलोड कर सकता है। तो ये है डॉकर हब के बारे में। डॉकर इंस्टॉल करने के लिए आप डॉकर को किसी भी ओएस में इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपका विंडोज 10 से पहले अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो आपके लिए उसके लिए डॉकर टूल बॉक्स यूज करना पड़ेगा। अगर आप मैक ओएस यूज कर रहे हैं तो भी आपको डॉकर टूल बॉक्स इंस्टॉल करना पड़ेगा, वरना विंडोज 10 या किसी भी फ्लेवर ऑफ लिनक्स पे आप डॉकर को ऐसे ही इंस्टॉल कर सकते हैं यूजिंग डाउनलोड मैनेजर लाइक यम और एप्टकैट। विंडोज के लिए आप चौको यूज कर सकते हैं। डॉकर की इंपॉर्टेंस, डॉकर सीआईसीडी पाइपलाइन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जब हमारी एप्लीकेशन बिल्ड हो जाती है, पैकेज हो जाती है, तो उसको डिप्लॉय एज कंटेनर्स करते हैं। तो बिल्ड के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है पाइपलाइन का, वो कंटेनराइजेशन होता है। उसके लिए हम डॉकर को यूज करते हैं एज अ कंटेनर सॉल्यूशन। अब थोड़ा लैब में देखते हैं जो हमने बात करी कैसे ये रियल लाइफ प्रैक्टिकली होता है, और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आप देखिए, ये जेंकिंस का मेरा होम पेज है, मैंने एक जेंकिंस इंस्टॉल किया है। देखिए जेंकिंस का डिफॉल्ट पोर्ट होता है 8080, आप उसका पोर्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे मेरे सिनेरियो में मैंने जेंकिंस का पोर्ट कर दिया है 8081। अब देखिए मैंने जेंकिंस में होम पेज में, यहाँ ये मेरा जेंकिंस का होम पेज है, बहुत सारी जॉब्स क्रिएट कर रखी है, जॉब्स मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इन जॉब्स की सहायता से ही मैं पाइपलाइन क्रिएट करता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लीजिए, मैंने एक पाइपलाइन बनाई यहाँ पे। अब इस पाइपलाइन में क्या है, पहले कंपाइलेशन हो रहा है मेरे कोड का, फिर कोड का रिव्यू हो रहा है, फिर यूनिट टेस्टिंग हो रही है, फिर मैट्रिक्स चेक हो रहा है, और फिर पैकेजिंग हो रही है। अब इन जॉब्स में क्या हो रहा है, आप सोच रहे होंगे कि ये जॉब्स करती क्या है बेसिकली। अब आप देखिए, आप कोई सी जॉब पे क्लिक कीजिए, जैसे हमारी डेव कंपाइल जॉब है आपकी, तो आप इस डेव कंपाइल जॉब में हम पहले क्या करते हैं, हम पहले डेटा को पुल करते हैं यूजिंग गिट। तो मैं आपको कॉन्फिगरेशन दिखाता हूँ कि हम इस जॉब में बेसिकली करके रहे हैं। फिर से मैं जेंकिंस पे जाता हूँ, पहले अपनी जॉब खोलता हूँ, हम पहली जॉब फोकस करते हैं डेव कंपाइल और कॉन्फिगर पे जाता हूँ। आप देखिए जेंकिंस पूरा प्लगइन बेस्ड टूल है, तो हमने प्लगइन्स यूज करें डिफरेंट डिफरेंट टास्क के लिए। फॉर एग्जांपल पहला गिट, हमने गिट प्लगइन यूज किया है
जो हमारा कोड पुल कर रहा है फ्रॉम गिटहब रिपोजिटरी। हम डिफाइन करते हैं कौन सी ब्रांच से गिट की और कौन सा गिट रिपोजिटरी से हमें कोड पुल करना है। जब कोड पुल हो जाता है उसके बाद हम कुछ टास्क डिफाइन करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ माई मेवन मेवन बिल्ड ऑटोमेशन टूल यूज कर रहा हूँ, जिसमें मैं कंपाइलेशन कोड यूज कर रहा हूँ, जिससे बेसिकली मेरी जॉब कंपाइल हो जाए। उसके अलावा मैं एक पोस्ट बिल्ड एक्शन भी डालता हूँ कि जब ये मेरे कंपाइलेशन कंप्लीट हो जाए तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट जॉब ट्रिगर हो जाए कोड रिव्यू। पर आप देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे कई सारी कंडीशन है। मेरी सिनेरियो कि नेक्स्ट जॉब तभी ट्रिगर हो जब मेरी करंट जॉब स्टेबल स्टेट में फेल हो। अगर ये कंपाइलेशन जॉब फेल होती है या इसका आउटपुट अनस्टेबल होता है कुछ भी रीजन, तो वो कोड रिव्यू जॉब पे नहीं जाएगा। ओनली वेन ये जॉब जब सक्सेसफुली बिल्ट होगी तभी ये कोड रिव्यू जॉब पे जाएगा। तो ऐसी मैंने काफी सारी जॉब्स क्रिएट करी हैं और मैंने उन सब जॉब को कंबाइन करके बनाई है एक पाइपलाइन। तो अब देखिए इस तरह की सब जॉब्स को ही मैंने पाइपलाइन बनाया है, जैसे कंपाइलिंग जॉब, कोड रिव्यू, यूनिट टेस्टिंग, मेट्रिक्स चेक और लास्ट में फाइनली हमारी जॉब है पैकेजिंग जॉब। अब मैं पाइपलाइन एग्जीक्यूट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ क्या होगा। देखिए मैंने पाइपलाइन एग्जीक्यूट करी, रन पे क्लिक किया, तो अब देखिए ऑटोमेटिकली येलो कलर मीन्स जॉब इज एग्जीक्यूशन, ब्लू मीन्स जॉब इज पेंडिंग टू बी एग्जीक्यूट और ग्रीन मीन्स जॉब सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है, रेड मीन्स जॉब एग्जीक्यूशन में कोई एरर आया। अब देखिए मेरी फर्स्ट जॉब कंप्लीट हो गई, कंपाइलेशन जॉब, मैं इनेबल ऑटो रिफ्रेश कर देता हूँ। अब देखिए ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट जॉब को ट्रिगर करेगा कोड रिव्यू जॉब। देखिए अब मेरी कोड रिव्यू जॉब चल रही है, एनीथिंग इन येलो मीन्स वो जॉब अंडर ट्रिगर है। जैसे कोड रिव्यू जॉब कंप्लीट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट जॉब को ट्रिगर करेगा जो कि है यूनिट टेस्टिंग जॉब। देखिए अब यूनिट टेस्टिंग जॉब चलने लगी, तो देखिए पूरा एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है। एक बार मैंने एक जॉब चला दी तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मुझे और जॉब को मैनुअली एक्सिक्यूट करना है, ये सब ऑटोमेटिक ट्रिगर है। इवन जॉब्स को आप ट्रिगर कर सकते हैं मल्टीपल क्राइटेरिया पर, जैसे कि आप एक टाइमर लगा सकते हैं कि जॉब रोज रात को मेरे 2 बजे या 3 बजे कितनी बार स्पेसिफिक टाइम पर एक्जीक्यूट करें। उसके अलावा एक कंडीशन लगा सकते हैं कि जैसे ही मेरी गिट रेपो में कोई चेंज हो ऑटोमेटिकली वैसे मेरी जॉब ट्रिगर हो जाए। तो आप देखिए आपको ये भी मैनुअली करने की जरूरत नहीं है, इस चीज को भी हम ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। जो भी हम जॉब रन कर रहे हैं सबके लॉक स्टोर होते हैं, हम लॉक्स चेक कर सकते हैं, आपको दिखाता हूँ उसके बाद कैसे हम लॉक्स चेक कर सकते हैं जॉब एग्जीक्यूशन के। तो हमारी लास्ट जॉब चल रही है पाइपलाइन की पैकेजिंग, देखिए हमारी ये जॉब पाइपलाइन कंप्लीट हो। देखिए अब हम आपको दिखाते हैं कि आप इसका आउटपुट भी चेक कर सकते हैं क्या होता है, क्या हमने देखा रिजल्ट। मैं जॉब में जाता हूँ, यहाँ से कई बार टाइम बच जाता है, आप कंसोल आउटपुट पर जाइए, आप देख सकते हैं आपकी जॉब्स में क्या स्टेज परफॉर्म हुआ, क्या टास्क हुई, आप सब कुछ यहाँ देख सकते हैं। अगर कोई एरर होगा तो आप यहाँ देख सकते हैं क्या एरर आया, क्यों आया, अगर बिल्ड फेलियर आया तो क्यों फेलियर हुई, सारे मैसेज यहाँ आपके एरर मैसेज कैटेगरी में लॉक होते हैं। जिससे अगर आपकी जॉब फेल हो रही है, अनसक्सेसफुल है, आप सब कुछ इसको देख के देख सकते हैं और ऑटोमेटिकली आपको स्टेप या एक्शन ले सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात है जेंकिंस की। उसके अलावा आप हर जॉब में एक नोटिफिकेशन मैनेजमेंट लगा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये जॉब है, मुझे इसमें नोटिफिकेशन मैनेजमेंट लगाना है कि जॉब अगर सक्सेसफुल हुई है या फेलियर हुई है तो मैं नोटिफाइड हो जाऊँ। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जेंकिंस में सकते हैं कॉन्फिगर में, और आप कोई पोस्ट बिल्ड एक्शन लगा सकते हैं, दैट मीन्स बिल्ड के बाद कोई स्टेप हो सकता है, उसको बोलते हैं पोस्ट बिल्ड एक्शन। पोस्ट बिल्ड एक्शन क्या हो सकता है, जैसे ईमेल नोटिफिकेशन, आप एक ईमेल स्पेसिफाई कर सकते हैं किसको मुझे ईमेल भेजना है जब जॉब कंप्लीट हो, मुझे ईमेल क्या भेजना है, सिर्फ अनस्टेबल हो या सेपरेट ईमेल, किसने बिल्ड ब्रोक करी, वो सब क्राइटेरिया स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर आपको और कस्टमाइज करना हो जैसे, तो एक इसमें एक और जॉब होती है एडिटेबल ईमेल नोटिफिकेशन, उसमें आप इसका ईमेल का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, आप अच्छे से क्राइटेरिया डिफाइन कर सकते हैं, इवन लॉक फाइल को भी आप मेल में ही अटैच कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें भी आप कर सकते हैं जेंकिंस को यूज़ करके, जिससे कि आप अपनी हर जॉब या हर स्टेज ऑफ पाइपलाइन को नोटिफाई कर सकें वो कैसे एग्जीक्यूट हो रही है। अब अगर आपको अपना जॉब कंटेनराइज करना हो फॉर एग्जांपल, तो आप बहुत सारे प्लगइन्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखिए ऐसे मैंने यहाँ एक कंटेनर क्रिएट किया है डॉकर का अपनी जॉब का, आप देखिए। तो हम क्या कर रहे हैं, मैंने यहाँ सिंपल एक कोड लिखा है शेल स्क्रिप्ट कोड बिल्ड एक्शन में, देखिए यहाँ हमने कोड लिखा है, आप देखिए बिल्ड एक्शन के लिए इसमें हमने शेल स्क्रिप्ट में डाला है। बिल्ड एक्शन में आप जाएंगे अगर, उन्होंने सिंपल एक शेल स्क्रिप्ट लिख के जो हमारी लास्ट जॉब कंप्लीट हो रही है पैकेजिंग जॉब, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं एक वार्ड फाइल में, पैकेज पैकेज को कन्वर्ट कीजिए, और फिर हमने डॉकर फाइल क्रिएट की है कि फाइनली कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर पैकेज जो भी हुआ है उसको एक डॉकर कंटेनर। कंटेनर के लिए पहले हम उसको इमेज में कन्वर्ट कर रहे हैं यूजिंग डॉकर बिल्ड कमांड, और फाइनली हम उसे कंटेनर में क्रिएट कर रहे हैं यूजिंग डॉकर रन कमांड। तो ऐसे हम अपनी इमेज को कंटेनराइज करते हैं यूजिंग जेंकिंस वन। अब अगर मुझे इस इमेज को डॉकर हब में सेंड करना हो तो उसके लिए एक प्लगइन का यूज़ किया है मैंने क्लाउड बी, आप देखिए हब डॉकर जॉब क्रिएट करिए, आपसे कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, तो इसमें हम एक थर्ड पार्टी प्लगइन को यूज़ कर रहे हैं जो कि डॉकर से वेरीफाइड है और ऑथेंटिकेटेड है, और यूजिंग दैट प्लगइन हम भेज रहे हैं, इसका प्लगइन का नाम है क्लाउड बी प्लगइन, आप देखिए। और यूजिंग दिस प्लगइन हम पहले भेज रहे हैं किस डॉकर हब रिपोजिटरी हमारा कोड पुश होना चाहिए, और उसके हम क्रेडेंशियल डिफाइन कर रहे हैं। अब कैसे हम प्लगइन्स को कॉल कर सकते हैं, आप जेंकिंस में जाइए, मैनेज जेंकिंस में जाइए, मैनेज प्लगइन्स में जाइए, ये वो स्पेस है आपको बताता है कौन कौन से प्लगइन्स जो मैंने इंस्टॉल कर रखे हैं उसका अपडेट अवेलेबल है,
उसके अलावा कौन कौन से प्लगइन्स अवेलेबल हैं जो डॉकर हमने वेरीफाई किया उसको मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ, आपको पता है कौन कौन से प्लगइन हमने इंस्टॉल कर रखे हैं जो आपकी मशीन में प्रेजेंट है। आप देखिए ये सारे प्लगइन हमारी मशीन में इंस्टॉल है। तो फॉर एग्जांपल जैसे देखिए हमने डॉकर का आपको दिखाया, तो डॉकर का जो हम कर रहे हैं वो प्लगइन को यूज करके कर रहे हैं। हम इसके लिए क्लाउड बीस डॉकर बिल्ड इन पब्लिश प्लगइन यूज कर रहे हैं, इस से हम अपना कोड डॉकर हमें पब्लिश कर पा रहे हैं। और एक ऑप्शन होता है एडवांस, जहाँ आप प्लगइन अपने खुद से क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग सम अगर आपको नॉलेज हो हाउ टू क्रिएट योर प्लगइन। तो ऐसे हम जेंकिंस का यूज करते हैं फॉर द CI/CD प्रोसेस। उस तरह की और जानकारियों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल फॉलो करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।